भाइयों अब हरम का जरा तारुफ हो जाए, खाना काबा जो हम अपनी वीडियोस में इंटरनेट के जरिए या सऊदी अरब के चैनल के जरिए एक घर देखते हैं जिस पे काला गलाफ चढ़ा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं खाना काबा अपनी लैंग्वेज के अंदर। और वो पूरी मस्जिद जो है मस्जिदुल हराम है, यानी हुर्मत वाली जगह है, वहां पर हराम काम करना बहुत बड़ा गुनाह है, उसका तारुफ सुन लेते हैं। खाना काबा शरीफ भाइयों बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप में है, मुस्ततील है, और अगर हतीम को बीच में शामिल किया जाए तो परफेक्ट मुस्ततील बन जाए। लेकिन इस वक्त भी अगरचे हतीम बाहर है लेकिन फिर भी ये रेक्टेंगुलर शेप में है खाना काबा शरीफ। अगर इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से खाना काबा को देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा खाना काबा शरीफ का वो इन इलाकों की तरफ, मशरिक की तरफ, और उसके तमाम अहम जगह इधर से नजर आ रही होती है। ये रेक्टेंगुलर शेप में खाना काबा शरीफ, इसका जो ये वाला कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे है हजरे असवद जो जन्नती पत्थर है, उसका तारुफ भी मैं बाद में करवा दूंगा। इसके साथ ही थोड़े से फासले पर खाने काबे का दरवाजा है, और ये कोना तो हो गया हजरे असवद वाला, ये जो दूसरा कोना है रेक्टेंगल का, इसको कहते हैं रुकने इराकी, यानी ये जो कोना है इराक की तरफ है। इसी तरीके से इसके बिल्कुल डायगनली ऑपोजिट जो है वो है रुकने यमानी, ये कॉर्नर यमन की तरफ है, इसलिए इसे रुकने यमानी कहते हैं। और हजरे असवद के डायगनली ऑपोजिट जो रुकन है उसको रुकने शामी कहते हैं, ये कॉर्नर शाम की तरफ है। याद रखना जरूरी नहीं है लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं। इसी तरीके से रुकने इराकी से लेकर रुकने शामी तक एक छोटी सी दीवार साइड में सेमी सर्कुलर नजर आएगी, इसको हम कहते हैं हतीम, और ये खाना काबे का हिस्सा है। सही बुखारी में मौजूद है कि मुशरिकीन अरब जो हैं वो अपने पाकीजा माल के जरिए बैतुल्ला शरीफ की तामीर करने लगे, तो उनका माल खत्म हो गया, तो उन्होंने खाना काबा शरीफ को थोड़ा सा बनाया, ये जो कमरा सा बनाया, और बाकी हिस्से में छोटी सी दीवार बना के उसको छोड़ दिया, अगरचे वो खाना काबा शरीफ का हिस्सा है। और बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, ए आयशा अगर मुझे तेरी कौम का ख्याल ना होता कि ये नए नए जहलियत से फिरे हैं तो मैं हतीम को भी खाना काबे में दाखिल कर देता, लेकिन फितने के डर से नहीं करता, और वो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए रहमत हुई। आज तक हतीम खाना काबे से बाहर है लेकिन इसके अंदर नमाज पढ़ना गोया खाना काबे के अंदर नमाज पढ़ना है, और इसी के अंदर ऊपर आप देखेंगे परनाला बहुत बड़ा सा नजर आएगा, उसे मिजाब रहमत कहते हैं, यानी खाना काबे की छत का पानी हतीम के ऊपर गिरता है, तो हतीम में खड़े होकर नमाज पढ़ी गोया कि आपने खाना काबा के अंदर पढ़ी, और आसानी से बंदा पहुंच जाता है। इसी तरीके से ये जो दीवार है जिसके एक कोने पे हजरे असवद और दूसरे पे रुकने इराकी है, इसी में रुकने इराकी के पास ही थोड़ा सा पीछे हटकर मुकामे इब्राहिम है, येलो कलर की जाली, और उसके अंदर वो पत्थर जिसपे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक के निशान अब भी मौजूद है, अल्लाह ताला की तरफ से मौजजाना तौर पर जिसपे खड़े होकर उन्होंने खाना काबा की तामीर की थी, जिसका जिक्र कुरान में आया, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को अपना मुसल्ला बना लो। इसी तरीके से ये हजरे असवद और रुकने यमानी, इसके दरमियान जो दीवार है इसे कहते हैं मुस्तजाब, दुआओं की कबूलियत की जगह, 70 अंबिया का मुसल्ला रहा है, इस दीवार के सामने अगर नमाज पढ़ी जाए तो आपका रुख बैतुल मक़दिस और खाना काबा दोनों की तरफ हो जाता है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ हिजरत से पहले यहीं पर खड़े होकर नमाज पढ़ते थे ताकि दोनों किबले की तरफ मुंह हो जाए, लेकिन फिर बाद में हुक्म नाजिल हुआ कि आप बैतुल मक़दिस की बजाय आप खाना काबा शरीफ की तरफ जब ऑर्डर हुआ है तो वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, वहां पर खड़े हों ताकि ये बात कन्फर्म हो जाए कि अब क़यामत तक के लिए मुसलमानों का किबला खाना काबा शरीफ है। हजरे असवद और उसके खाना काबा का जो दरवाजा है इसके दरमियान की थोड़ी सी जो जगह है इसे कहते हैं मुंतजिम। तो ये सारे के सारा खाना काबा के एतबार से तारुफ हो गया, और ये खाना काबा की जो बिल्डिंग है तकरीबन 55 फुट ऊंची है, बहुत ऊंची है 55 फुट, और अगर आप बाहर से देखें तो बाहर की जो सड़कें हैं वो इससे भी ऊंची है, क्योंकि खाना काबा बेसिकली एक वादी है,
اس کی ساری طرف چٹیل پہاڑ ہے پتھروں کے، یہ کوئی میدانی علاقہ نہیں. بارہ کے قریب ٹنلز تو خانہ کعبہ شریف کے ارد گرد مکے کے اندر کتنی ٹنلز ہیں جس کے اندر وہ راستے بنائے گئے ہیں. تو یہ پوری ایک وادی تھی، اسی لیے آپ اگر پرانی تصاویر دیکھیں تو اس میں ملتا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی تھی تو یہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا تھا. اب بہرحال اب چونکہ ایڈوانس دور ہے، وہاں پر موٹرز وغیرہ لگا کے پانی کو ریموو کر لیا جاتا ہے، وہاں پر اب جمع نہیں ہوتے. اسی طریقے سے بھائیو، آپ جب حجر اسود والے کارنر سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں تو وہاں پر صفا آ جاتا ہے، اور صفا سے تقریباً 0.5 کلومیٹر دوسری طرف مروہ ہے. تو یہ اگر پاکستان کی طرف سے دیکھا جائے ایریل ویو تو یہ پی بنتی ہے، پی انگلش کا ورڈ جو ہے پی، جس میں یہ بیت الحرام کی مسجد اور یہ ساتھ 0.5 کلومیٹر صفا اور مروہ. اسی طریقے سے مقام ابراہیم سے جب تھوڑا سا پیچھے آئے تو وہاں پر زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں یہاں پر، جو وہاں سے زمزم پینا وہاں پر کھڑے ہو کر سنت ہے. پہلے یہاں پر سیڑھیاں بھی تھیں، جب میں گیا تھا 2002 میں اس وقت تو سیڑھیاں موجود تھیں، نیچے تک کنویں تک جاتے تھے. اب انہوں نے وہ کور کر دی ہے، وہ مطاف کو انہوں نے بڑا کرنے کے لیے. تو یہ جو پورا ایریا جس میں ہم طواف کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مطاف، طواف کرنے کی جگہ. اسی خانہ کعبہ کے گرد آپ نے اینٹی کلاک وائز طواف کرنا ہوتا ہے، اپنا بایاں کندھا خانہ کعبہ شریف کی طرف کر کے اور حجر اسود سے شروع کرنا ہوتا ہے. وہ آپ ڈیٹیل میں آپ کو 20 سٹیپس میں عمرے کا طریقہ سٹیپ وائز بتا دیتا ہوں، پھر ہمارا یہ آج کا لیکچر مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی گفتگو ہم انشاءاللہ تیسرا حصہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے.